लॉकडाउन के शुरुआती दौर में ही केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों ने मजदूरों, किसानों और अन्य वंचित वर्गों के लिए कई सारी घोषणाएं की, लेकिन लगता है कि वो जितनी भी घोषणाएं थी ज़्यादातर घोषणाएं कागज पे ही दिख रही है, वास्तविक तौर पे धरातल पे रूपांतरित नहीं हो पाई है, जिसके कारण मजदूर असमंजस की स्थिति में थे। उन्होंने वेट किया, शुरुआती दिनों में फर्स्ट और सेकेंड लॉकडाउन तक वेट किया, लेकिन थर्ड लॉकडाउन या कह लें कि सेकेंड लॉकडाउन के आखिरी दौर में उनका सब्र टूट गया और वो पैदल ही अपने घरों की तरफ आने लगे। मजदूरों की स्थिति अब बहुत ही विकराल हो गई और स्थिति ऐसी भी हो गई कि रास्तों में कई मजदूर महिलाएं बच्चों का देहांत भी हो गया। ऐसी विषम परिस्थिति में राज्य सरकारों ने मांग की केंद्र सरकार से कि किसी भी तरीके से मजदूर को वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। अब इसको दबाव कह ले या जो भी, लेकिन समन्वय समिति बनी और केंद्र सरकार के दबाव में आकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी। अब खबर ये आ रही है कि 6 राज्यों से लगभग 20,000 से अधिक अप्रवासी बिहारी मजदूर बिहार पहुंचेंगे श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से। गुजरात से 4, आंध्र प्रदेश से 3, तेलंगाना से 3, पंजाब से 2, राजस्थान से 2, हरियाणा से 2 ट्रेनें खुलेगी। दिल्ली से भी एक ट्रेन खुलने वाली है, बाकी 3 ट्रेनों का अपडेट फिलहाल नहीं है। ये ट्रेनें सहरसा, दरभंगा, बरौनी, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, मोतिहारी, आरा और छपरा पहुंचेंगी। इसके पहले भी पटना और दानापुर में ट्रेनें आ चुकी हैं। कोटा के छात्र भी बसों से और ट्रेनों से लाए जा चुके हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में कोटा के छात्रों को जो बचे हुए हैं और जो मजदूर और हैं काफ़ी संख्या में, बिहार सरकार के हिसाब से 25 लाख से अधिक संख्या है मजदूरों की, तो वो मजदूर कैसे वापस बिहार आएंगे और आने के बाद कोरोना संक्रमण का जो मुकाबला हम कर रहे हैं, कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में कहाँ पेच फंसेगा और कैसे हम लोग उस लड़ाई पे विजय प्राप्त करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल फिलहाल ये न्यूज़ है कि 6 राज्यों से 20,000 से अधिक अप्रवासी बिहारी मजदूर आ रहे हैं। हालांकि ये खबर मिल रही है कि आने के बाद सबको क्वारंटाइन किया जाएगा, हो सकता है कि होम क्वारंटाइन भी किया जाए, तो देखने वाली बात होगी। भीड़ बढ़ेगी स्वाभाविक तौर पर, पहले से ही बिहार में शुरुआती दौर में कम खतरे थे, लेकिन बीच में और हालिया दिनों में खतरे बढ़ गए, मामला बढ़ गया। अब ऐसी स्थिति में मजदूरों के आने के बाद संक्रमण पे कितना और कंट्रोल किया जा सकता है या क्वारंटाइन सेंटर्स पे सैनिटाइजेशन की और अलग अलग व्यवस्थाएं कैसे सरकार करती है, ये देखने वाली बात होगी। शेषनाथ चौधरी, लाइव टी न्यूज, सिवान।